अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चीकू का हलवा। तो मैंने चीकू ले लिया है, 1 किलो चीकू और 250 ग्राम मैंने खोया और मावा ले लिया है, और शक्कर भी मैंने कुछ 250 ग्राम के आसपास ले लिए, देसी घी मैंने वो भी 250 ग्राम के आसपास ले लिया है, और जो चीकू था चीकू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अच्छा, पहले हम घी को नॉर्मल से गर्म करेंगे और उसमें जो है चीकू ग्रेट किए हुए उसको सिर्फ 5 मिनट पहले हम मिलाएँगे, और ज़्यादा पकाना नहीं है चीकू को। फिर उसमें हमने शक्कर डाल दी, शक्कर डालने के बाद जो है उसे अच्छे से पकाना है कम से कम 10 मिनट तक, जब तक शक्कर का पानी पूरा सूख जाए। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये चीकू का जो कलर है वो भी थोड़ा ब्राउन जैसा हो जाए, और शक्कर का पानी बहुत ज़्यादा नहीं सूखाना है, बस 10 मिनट तक पकाना है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये मावा डाल दिया है, मावा आप ज़्यादा ले सकते हो, मैंने 250 ग्राम लिया है, आप 300 ग्राम 350 ग्राम भी ले सकते हो, जितना मावा डालोगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, ये ऊपर से घी जितना एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल लिया है, और बस ये हमारा चीकू का हलवा रेडी है। और आपके पास कोई भी एसेंस हो वो आप डाल सकते हो। अच्छा, अब हम इसके ऊपर डालेंगे सिल्वर वर्क, आप किसी और से भी डेकोरेट कर सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था तो मैंने सिल्वर वर्क डाला है। और गाइस, ये चीकू का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा, आप इंशाल्लाह बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये चीकू का हलवा कैसा लगा। इंशाल्लाह आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।